नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पोस्ट न्यूज और मैं हूँ आपके साथ विद्या राय। आइए ले चलते हैं देश प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों की ओर। जनता ने खोली पोल प्रधान की, सरकारी धनराशि का किया गया बंदरबांट। आपको बताते चले कि जिला सीतापुर के ब्लॉक खैराबाद की ग्राम कोडरी का मामला आया सामने, जहां पर काफी संख्या में लोग इकट्ठा होकर उन्होंने प्रधान के द्वारा बनवाए गए गलियारे के हालत दिखाए, जिसमें प्रधान के द्वारा कुछ खाली फॉर्मेलिटी अदा की गई है। ना ही रास्ते पर कोई खास मिट्टी है, ना ही किसी तरफ खेत से ली गई है। मिट्टी उसी रोड को ही बराबर कर दिया गया है, जिसमें नीचे घास व धान का पैरा डाला गया है। रास्ते की लंबाई लगभग 1 किलोमीटर की है। ग्रामीणों का कहना है कि आज इस प्रकार का रास्ता कर बनवाया जा रहा है, कल को हम अगर अपने खेत में कोई सामान लेकर निकलेंगे, वहां पर हल्की भी बारिश हुई तो यहां हमारा निकलना मुश्किल हो जाएगा। अतः प्रशासन से निवेदन है कि इस रास्ते की पुनः जाँच कर दोबारा पटवाया जाए। वहीं पर ग्रामीणों ने गांव के ही हालत दिखाए, जहां गांव में बने प्राथमिक विद्यालय की बनाई गई बाउंड्री में बिना लिंटर व सरिया से तैयार की गई रास्ते से लेकर प्राथमिक विद्यालय तक चल रहा लगातार बंदरबांट आखिरकार यहां किसकी मिली भगत से हो रहे हैं कार्य। देखते हैं खबर चलने के बाद क्या कोई अधिकारी इस पर संज्ञान लेता है या नहीं। फोन से प्रधान से जब बात की गई तो उन्होंने बताया यह आरोप गलत है और हमने बजट के अनुसार कार्य करवाया है। आखिरकार आप देखकर खुद समझ सकते हैं कि क्या झूठ है क्या सही है। सीतापुर से मोहित मौर्य की खास रिपोर्ट। यहाँ पे ये बाउंड्री बनी हुई है भैया, ये हाँ हाँ, इसमें कोई लिंटर नहीं पड़ा हुआ है। तो ये जो बाउंड्री खड़ी का बिना लिंटर के खड़ी हुई है? जी भैया। और बता रहे हैं 2 इंच का पड़ा हुआ है, ये नीचे दिखा रहे हैं, इसमें कोई सरिया नहीं पड़ी हुई है। अगर पड़ा भी है तो कोई सरिया नहीं है। तो 2 इंच का कोई लिंटर तो माने होता नहीं है। अब ये भैया इतना तो जानते नहीं है। अच्छा, आपका नाम? हमारा नाम लोलेश कुमार मिश्रा। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? कोटली ब्लॉक खैराबाद, जिला सीतापुर। आपका नाम? आपका नाम नदीम। कहाँ के रहने वाले हो? कोटली। और आप उसके जगह नाम? मोहम्मद सलीम। जिला? सीतापुर। और कोई समस्या भैया? भाई एक मिनट, क्या समस्या? आपका क्या नाम है? मोहम्मद सलीम। कहाँ के रहने वाले हो? ग्राम कोडरी, पोस्ट रसकपुर, थाना खैराबाद, जिला सीतापुर। अच्छा, क्या समस्या है आप लोगों की? समस्या क्या है? 1 इंच मिट्टी नहीं रोड पे पड़ी है। ये जो आपके पीछे रास्ता जो बना हुआ, ये कच्चा रास्ता? जी, उधर घास नहीं मुंदी, देख लो। अच्छा, ये कहाँ से कहाँ तक बनाया गया है? ये यहाँ से पकरिया मार्ग से, पकरिया मार्ग तो भाई है, पकरिया मार्ग से वो सरिया मार्ग में जुड़ा है। अच्छा अच्छा, तो ये प्रधान आपके यहाँ के कौन है? सलमा बेगम। तो क्या आपने इस विषय पे उनसे बात किया है? तो उनसे बात किया तो जो एस्टीमेट है उस बना रहे हैं। तो एस्टीमेट क्या, इसका कितना गहराई तक इसकी पटाई हुई है? अब देख लीजिए, 1 इंच मिट्टी नहीं पड़ी है। अच्छा अच्छा, नाली और घुमा दो मोबाइल, इधर घुमा दे, देख लो कितनी मिट्टी पड़ी है। अच्छा अच्छा, ये सिर्फ इसकी फॉर्मेलिटी ही अदा की गई है इस रोड पे? अदा की गई। अच्छा, प्रथम पैरा दिखाई, लेफ्ट वाला करो। ये देखिए, ये तो ऊपर ही लगी हुई है। ये तो ऊपर लगी है ना रोड? हाँ हाँ, इस पे यहाँ पे मिट्टी ही नहीं है कुछ। ये देखो कहाँ मिट्टी है। अच्छा, ये बीच रोड का हाल है? ये बीच रोड का हाल है। यहाँ पे तो भाई मिट्टी नहीं पड़ी, बिल्कुल नहीं है। कहाँ मिट्टी है? कुछ नहीं आगे मिट्टी है। कहाँ मिट्टी है? ये तो मतलब पुराना ही पटाव है। रोड के ऊपर घास लगी, बीच रोड पर मिट्टी नहीं पड़ी है। इस पे तो मिट्टी है ही ना, बिल्कुल नहीं मिट्टी है। जो खट्टे खुट्टा रहा हमारा नहीं, नहीं देखो। हाँ, तो कहाँ है घास है? तो ये क्या, इसमें मिट्टी, ये क्या हुआ? ये कहाँ है? ये देखो। अच्छा, तो इसमें मतलब ये घास डाल के पाटा गया रास्ता? ये देख लो ना, नहीं ना मिट्टी। अरे इसमें मिट्टी तो है ही ना, कहीं भी मिट्टी नहीं है। देख लो कहाँ है, हटाने उठा दिया। अरे ये इन कच्चे रास्तों का ये हालात है, देख लो, जबकि ये खेतों का रास्ता है। देख लो, देख लो पैरा, वो लगाओ। हाँ, वो लगाओ, वो लगाओ, और यहाँ पर तो मिट्टी है ही ना, मिट्टी तो बिल्कुल मिट्टी नहीं है यहाँ पर। ये सब ये घास पड़ी हुई है सारी, देखो कहाँ है ये पैरा। अरे ये तो यहाँ पर सिर्फ फॉर्मेलिटी अदा की गई है। देख लो पैरा, देखो देख लो पैरा है, देखो देख लो कहाँ।
ये तो भैया यहाँ पे तो मिट्टी तो बिल्कुल नहीं है यार, देख लो आप। ये तो प्रधान ने बिल्कुल फॉर्मेलिटी अदा कर दिया है। वो मारो फड़वा जरा ना, इसे फड़वा मारो, भट्ट भट्ट बोलिए, समझ लो हुआ है।